Come on, open your mouth. Open your mouth. Come on. I just don't like being locked in. तो इस मूवी की कहानी शुरू होती है अमेरिका की एक मीट फैक्ट्री से, जहाँ पर वर्कर्स जानवरों के मांस को काट काट कर पैक कर रहे थे। फैक्ट्री में हमको जरा भी हाइजीन देखने को नहीं मिलता है और अच्छे मांस के बीच में वे लोग खराब और पुराने मांस को भी मिलाकर पैक किए जा रहे थे और इसी मांस को बाद में जाकर लोग खाने वाले थे। सीन कट होता है और अब कहानी एक हॉस्पिटल में शिफ्ट होती है, जहाँ पर हम एक पेशेंट को देखते हैं और उस पेशेंट की पूरी बॉडी को बैंडेजेस से कवर करके रखा गया था। देख कर ही पता लगता है कि उस पेशेंट की हालत बहुत ही खराब थी और किसी ने उसके ऊपर बहुत ही बुरी तरीके से हमला भी किया था। अब तो पेशेंट कुछ बोलने की हालत में भी नहीं था। हॉस्पिटल के स्टाफ को उस पेशेंट का नाम तक नहीं पता था, तो इसीलिए डॉक्टर्स उस पेशेंट के पास एक कंप्यूटर लाकर देते हैं ताकि वो टाइप करके उन्हें अपनी बात बता सके और उनको पता चल सके कि आखिर उसके साथ में इतनी भयानक हालत कैसे हुई थी। तो अब जैसे जैसे वो पेशेंट टाइप कर रहा था, वैसे वैसे कहानी फ्लैशबैक में जाती जा रही थी, जिससे हमें पता चलता है कि कुछ दिन पहले टाइलर नाम के एक टीनेज लड़के को एक पुलिस ऑफिसर जंगल के अंदर बने एक कैंप में लेकर आया था और टाइलर को वहां पर छोड़कर पुलिस ऑफिसर वहां से चला गया था। उस कैंप में टाइलर के अलावा और भी टीनेजर बच्चे थे, जिनका नाम रोज, बिली, मार्क, केली और लीजा था, और इन सभी को डिसिप्लिन सिखाने के लिए उनके पेरेंट ने उन सभी को इस कैंप में भेजा था। कैंप में आकर सभी को रियलाइज होता है कि वे लोग किसी अच्छी जगह पर नहीं आए हैं और वहाँ के केयर टेकर बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे और सभी उनसे बहुत ही रूडली तरीके से बातें करते थे। वहाँ के ट्रेनर का नाम था रीटा, टोनी, स्कलेट और उन सभी का बॉस था बॉग। साथ ही उनके कैंप में एक कुक भी था और उस कुक का नाम पीटर था। कैंप में आते ही बॉस के कहने पर ट्रेनर्स टीनेजर से उनका सामान छीन लेते हैं और फिर एक दूसरी जगह उन सभी का सामान रख दिया जाता है। फिर इसके बाद बॉयज और गर्ल्स को रहने के लिए एक एक रूम दिया जाता है, लेकिन वे लोग जिस सिचुएशन में फंसे हुए थे उसे लेकर उनकी एक दूसरे से ही फाइट होती रहती है, तो इसलिए कुछ लोगों की यहाँ पर दोस्ती नहीं हो पाती है। लेकिन इनमें से रोज और केली एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त बन चुके थे। केली की बातों से हमें पता चलता है कि वो एक लेस्बियन लड़की है और जब इस बात का पता उसके पेरेंट को लगा था तो उन्होंने उसे इस कैंप में भेजा था ताकि वो खुद के दिमाग से लेस्बियन होने की बात को निकाल सके। इन सभी में से लीजा ने अपने बॉयफ्रेंड को अपने कैंप में होने की बातें बताई थी। उसका बॉयफ्रेंड उसे यहाँ से ले जाना चाहता था, लेकिन लीजा को खुद ही नहीं पता था कि वो आखिर खुद कहाँ पर है। वे लोग जंगल के बीच में एक ऐसी जगह पर थे जहाँ से हाईवे का रास्ता भी उन्हें नहीं पता था, और अगर वे लोग कैंप से भागे भी तब भी वे अकेले जंगल में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और इसलिए उन्हें मजबूरी में एक महीने तक यहाँ पर रहना पड़ेगा, जब तक उन सभी की ट्रेनिंग पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाती। फिर इसके बाद हम ट्रेनर रीटा और स्कलेट को देखते हैं, जो कि रात को टीनेजर रूम पर नजर रखे हुए थे और दोनों का ही यहाँ पर अफेयर चल रहा था। लेकिन रीटा ने टोनी के साथ में रिलेशनशिप रखा हुआ था। कुछ देर के बाद में डॉग, रीटा, स्कलेट और टोनी बॉयज रूम में जाते हैं और वहाँ पर सब टाइलर से बातें करने लगते हैं। टाइलर के पेरेंट ने उन्हें पहले से ही बता रखा था कि टाइलर क्लस्ट्रोफोबिक है, मतलब कि उसे छोटी जगह पर घुटन महसूस होती है, तो इसीलिए टाइलर का डर निकालने के लिए ट्रेनर्स उसे बाहर के बेसमेंट में बंद करने जा रहे थे। डर के मारे टाइलर बहुत चिल्ला रहा था और वो बहुत रो भी रहा था। टाइलर की चीखें सुनकर मार्क और बिली डर चुके थे। अगर टाइलर के साथ में ऐसा हो रहा है, मतलब कि उनके साथ में कभी ना कभी कुछ तो होगा ही। लेकिन एक रात के लिए ट्रेनर्स डॉग के कहने पर टाइलर को बेसमेंट में नहीं डालते हैं। फिर अगली सुबह स्कलेट उन सभी बॉयज पर यूरिनेट करके उन्हें नींद से जगाता है और रीटा गर्ल्स पर सिगरेट फेंक कर उन्हें नींद से जगाती है। तो असल में देखा जाए तो ट्रेनर उनका फायदा उठा रहे थे और उन्हें टॉर्चर कर रहे थे। फिर अब हम कैंप के कुक पीटर को देखते हैं, जो कि ग्रोसरी की शॉपिंग करके कैंप में आया था और अपने शॉपिंग बैग में से वो एक मांस का टुकड़ा डॉग्स को खिला देता है। लेकिन उनमें से एक ही डॉग उस मांस के टुकड़े को खाता है, जिसके बाद में उस डॉग की तबीयत खराब हो जाती है और कुछ ही देर में उस डॉग की मौत भी हो जाती है। फिर हम सभी टीनेजर्स को देखते हैं, जिनको ट्रेनर ने लकड़ी काटने का काम में लगाया हुआ था और ये काम उनके लिए बहुत ही मुश्किल था। अब मजबूरी में उन्हें ट्रेनर के मुताबिक काम करना पड़ रहा था, नहीं तो ट्रेनर्स उनके साथ में और भी बुरा बिहेव करने वाले थे। दूसरी तरफ बॉस डॉग रोज से बातें कर रहा था और रोज जो कुछ भी कह रही थी वो सभी बातें डॉग रिकॉर्ड कर रहा था। लेकिन डॉग रोज से प्रॉमिस करता है कि वो कुछ भी बात खुलकर बोल सकती है और ये वीडियो उसके पेरेंट्स तक नहीं जाएगी।
यहाँ पर रोज की बात से हमें पता चलता है कि वो पिछले 3 साल से वेजिटेरियन है, लेकिन फिर भी यहाँ कैंप में उसे मांस खाने को दिया जा रहा है। डॉग रोज की बात सुन तो रहा था, लेकिन कुछ ही देर में वो रोज की बातों का और उसके इमोशंस का मजाक बनाने लगता है, जिससे कि रोज को बहुत ही हर्ट होता है। फिर अब हम पीटर को देखते हैं, जो कि लंच के लिए उसी मांस को बना रहा था जिसे खाने के बाद में वो डॉग मारा जा चुका था। तभी वहाँ पर टोनी आकर उसमें से एक मांस का टुकड़ा टेस्ट करके वहाँ से चला जाता है। अभी इसके बाद हम सभी को डिनर टेबल पर देखते हैं, जहाँ पर ट्रेनर्स मीट खा रहे थे, लेकिन टीनेजर्स को एक कालू खाने को दिया जा रहा था और क्लियरली समझ में आ रहा था कि बाकी लोग टीनेजर्स को भूखा रखना चाह रहे थे। अब खाने के बीच में टोनी की हालत थोड़ी बिगड़ने लगती है, तो इसीलिए वो टॉयलेट चला जाता है और बाकी के लोग उसके इस हालत पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और सोचते हैं कि ज्यादा खाने की वजह से टोनी की तबीयत खराब हो चुकी है। अब दूसरी तरफ ठीक से खाना नहीं मिलने के कारण बातों ही बातों में मार्को टाइलर के बीच में झगड़ा हो जाता है, जिसके बाद में ट्रेनर्स टाइलर को सजा देने के लिए बेसमेंट में बंद कर देते हैं। फिर इसके बाद रात के समय टीनेजर्स को बाहर से डॉग के भूखने की आवाज सुनाई देती है। जब वो बाहर देखने के लिए जाते हैं तो बाहर उन्हें डॉग स्केलेट और रिटा दिखाई देती है। उन तीनों को देखकर वो डॉग अजीब तरीके से भौंक रहा था और अचानक डॉग उस डॉग को एक हथियार से पीट पीट कर उसे जान से मार डालता है। उस डॉग को इतनी बेरहमी से मरता देखकर सभी टीनेजर्स डर जाते हैं, तो इसलिए वे लोग उन्हें कुछ नहीं बोलते हैं और चुपचाप सो जाते हैं। कुछ देर के बाद में हम डॉग को देखते हैं, जो कि अपने रूम में बुक पढ़ रहा था और उसके पास के रूम में रीटा और स्केलेट एक दूसरे के साथ में इंटीमेट हो रहे थे। लेकिन इन सबके बीच में ही उन तीनों की तबीयत खराब हो जाती है, वो तीनों उल्टियां करने लगते हैं, वो भी बहुत ही घिनौने तरीके से। इधर कुक पीटर अपना काम छोड़कर वहां से चला जाता है, क्योंकि वहां के लोग उसके साथ में भी अच्छा बिहेव नहीं कर रहे थे और बात बात पर उसको वो मारते पीटते रहते थे। इन सभी से तंग आकर पीटर हमेशा के लिए इस कैंप से उनकी इकलौती कार लेकर वहां से चला जाता है और किसी को भी उसके जाने के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। फिर अगली सुबह सभी की आंखें बहुत देर से खुलती है और उन्हें इस बात से बहुत अजीब लगता है कि उन्हें कोई ट्रेन आज उठाने क्यों नहीं आया। बहुत देर तक वेट करने के बाद में जब किसी का कोई अता पता नहीं चलता है, तो रिटा एक हेयरपिन से डोर के लॉक को खोलकर रूम से बाहर निकलती है और बाकी लड़कियों को लेकर बॉयज रूम तक जाती है। बॉयज के रूम का डोर भी रिटा ने अपना हेयरपिन से खोल दिया था और अब सभी लोग गैराज की तरफ जाते हैं, ये सोचकर कि वे लोग कार लेकर वहां से भाग जाएंगे। लेकिन कार तो वहां थी ही नहीं, क्योंकि वहां पर एक ही कार थी जिसे पीटर लेकर रात को जा चुका था। वह नेटवर्क भी नहीं लगता है, तो वे लोग फोन करके किसी को वहां पर बुला भी नहीं सकते थे। केली को तो ये सब एक टेस्ट लग रहा था और उसके मुताबिक ट्रेनर्स उनके ऊपर नजर रखे हुए हैं, ताकि वो देख पाए कि वे लोग भागते हैं कि नहीं, लेकिन बाकी के लोगों को ऐसा नहीं लगता है। फिर इसके बाद में रोज रीटा से बेसमेंट का लॉक खोलने के लिए हेल्प मांगती है, लेकिन रीटा ऐसा लॉक खोलना नहीं जानती थी, तो इसलिए रीटा मार्क केली और बेली जाते हैं अपना अपना सामान लेने के लिए, ताकि वे लोग वहां से भाग पाए। और रोज जाती है टायलर को बेसमेंट से बाहर निकालने के लिए। टायलर क्लस्ट्रोफोबिक था, तो बेसमेंट में उसे बहुत तकलीफ हो रही थी और रोज उसे पानी पिलाती है और उसके बाद में पत्थर से डोर के लॉक को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो लॉक इतना ज्यादा मजबूत था कि वो रोज से टूटता ही नहीं है। और ऊपर से टायलर भी बेसमेंट के अंदर पैनिक कर रहा था, तो इसलिए रोज की ढूंढने जाती है। दूसरी तरफ बाकी टीनेजर स्टोर रूम में जाते हैं अपना अपना सामान लेने के लिए, लेकिन वहां पर उन्हें अपने सामान के साथ साथ दूसरों का बहुत सारा सामान मिल गया था और उनमें से बहुत सारा सामान वे लोग अपने पास में रख लेते हैं। यहाँ पर रोज विंडो से ट्रेनर के रूम में देखती है, जहाँ पर उसे ट्रेनर्स के बीमार होने का पता चलता है। वो इस बारे में बाकी को भी बताती है, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता है, तो इसलिए रोज अकेली टोनी के रूम में घुस जाती है, क्योंकि उसे कीज ढूंढना थी। वहां पर उसे कीज मिल जाती है, लेकिन उसे टोनी के रूम में वहां पर आई हुई टीनेज लड़कियों के अंडरगारमेंट्स और एडल्ट चीजें और बहुत सारे फोटोज मिलते हैं। एक अलमारी में तो रोज को टोनी का एक सेक्स डॉल भी मिलता है, जिसे देखकर रोज एक पल के लिए बहुत सारा डर जाती है। फिर रोज डॉग के ऑफिस जाती है कीज ढूंढने के लिए, जहाँ पर उसे डॉग बहुत ही बीमार हालत में दिखाई देता है, जिसने पूरे रूम में उल्टे की हुई थी, लेकिन डॉग होश में नहीं था, इसलिए रोज की ढूंढने लगती है। तभी वहां पर डॉग आता है, जो कि रोज से हेल्प मांगता है, क्योंकि डॉग की हालत बहुत खराब थी। रोज उसे देखकर पानी पिलाती है और जब वो हेल्प बुलाने के लिए बाहर जाने वाली थी, तो डॉग उसका हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन किसी तरह रोज रूम से बाहर आ जाती है और इस बारे में बताने के लिए वो अपने दोस्तों के पास में जा ही रही थी कि तभी उसे पास के रूम में रीटा और स्केलेट दिखते हैं, जिन्हें अजीब तरीके से फिट जा रहे थे। ये देखकर रोज डर जाती है और बिल्ली के पास में जाती है, लेकिन उस समय पर बिल्ली
उस मरे हुए डॉग का पोस्टमार्टम कर रहा था। इसे देखकर रोज को और अजीब लगता है, तो इसीलिए वो अपने बाकी दोस्तों को ढूंढने जाती है। अब यहाँ पर बिली को डॉग का पोस्टमार्टम करने पर पता चलता है कि उस डॉग का हार्ट तो नॉर्मल था, लेकिन उसका ब्रेन डेड हो गया था। और उस डॉग के पेट से उसे वही मांस का टुकड़ा मिलता है जो कि डाइजेस्ट हुआ ही नहीं था। ऊपर से वो मांस का टुकड़ा इन्फेक्टेड लग रहा था। और ये सभी बातें बिली अपनी कॉपी में नोट कर रहा था। दूसरी तरफ हम रीटा और स्केलेट को देख पाते हैं जो कि बहुत समय से उल्टियाँ कर रहे थे और उनको फिट्स भी आ रहे थे, लेकिन कुछ टाइम के बाद में अचानक से दोनों उठ खड़े होते हैं। और अब वे दोनों बहुत ही स्ट्रांग लग रहे थे, लेकिन उनकी हरकतें किसी इंसानों जैसी नहीं थी। दोनों किसी शिकारी जानवर की ही तरह बिहेव कर रहे थे। यहाँ पर बाकी दोस्तों का कोई भी अता पता नहीं मिलने पर रोज टाइलर के पास में जाकर बैठ जाती है। उसे चाबी नहीं मिली थी तो उसे हेल्प आने तक का वेट करना था, तभी वो टाइलर को बेसमेंट से निकाल पाएगी। टाइलर पैनिक न करें तो इसलिए रोज उससे बातें करके उसे कंफर्ट करने लगती है। तभी अचानक मार्क और लिसा जंगल की तरफ से चिल्लाते हुए उसके पास में आते हैं, क्योंकि रीटा और स्केलेट उन्हें मारने के लिए उनके पीछे पड़े थे। तीनों घर के अंदर जाने के लिए भागते हैं, लेकिन स्केलेट अपना रास्ते में ही मार्क को पकड़ लेती है। ऊपर से स्केलेट मार्क के कंधे की चमड़ी को काट काट कर खा गया था। स्केलेट और कुछ कर पाता उससे पहले लिसा एक लकड़ी से स्केलेट को मारती है, और सही समय पर बिली सभी को एक विंडो से रूम के अंदर ले लेता है। लिसा इतना ज्यादा डर गई थी कि वो तो रूम के बाहर ही चली गई थी, लेकिन जब उसे कॉरिडोर में टोनी मांस खाता हुआ दिखाई देता है तो वो डर कर रूम में वापस चली जाती है। लेकिन अब लिसा को देखकर टोनी उस रूम तक आ चुका था। उन लोगों ने अपने रूम का डोर लॉक कर दिया था, लेकिन फिर भी टोनी दरवाजा तोड़कर रूम में घुसने की कोशिश कर रहा था। ऊपर से स्केलेट और रीटा भी विंडो से रूम में घुसने की कोशिश कर रहे थे, तो इसलिए रोज और मार्क एक अलमारी और एक बेड को विंडो पर लगा देते हैं। लेकिन फिर भी रीटा और स्केलेट अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। रीटा तो रोज के बाल उसकी चमड़ी के साथ में उखाड़ कर खा जाती है, और दूसरी तरफ बिली कोई भी चीज टोनी के सर पर मार रहा था ताकि वो रूम के अंदर न आए। लिसा भी पूरी कोशिश कर रही थी एक लॉकर को डोर के सामने लगाने के लिए, लेकिन अकेली वो उस लॉकर को हिला भी नहीं पा रही थी। तब बिली और लिसा लॉकर को डोर के सामने लगा देते हैं, लेकिन फिर भी टोनी लॉकर को तोड़कर रूम में घुसने की कोशिश कर रहा था, और किसी तरह बिली और लिसा उसे रोके रखे हुए थे। तभी लिसा को दूसरे बैग में रखा हुआ एक पेपर स्प्रे याद आता है, जिसके बारे में वो मार्क को बताती है, और मार्क लिसा को स्प्रे दे देता है, जिसके बाद में लिसा रीटा स्केलेट और टोनी की आंखों पर वो स्प्रे करती, और तब जाकर वो तीनों उनसे दूर चले जाते हैं। अब रात होती है और वो तीनों टाइलर के पास में आते हैं और उसे बेसमेंट से निकालकर उसे खा जाते हैं, लेकिन हमें बस टाइलर की दर्दनाक चीखें सुनाई देती है। यहाँ पर सभी दोस्त इस बात से परेशान थे कि उन्हें किसी भी तरीके से वहाँ से निकलना है, लेकिन उन्हें कैंप से बाहर जाने का रास्ता नहीं पता था। ऊपर से किसी को भी ये नहीं पता था कि यहाँ पर क्या चल रहा है। रोज और बिली तो वहाँ से जंगल की तरफ भागना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने जंगल के बीच में धुआं देखा था और क्या पता कोई इंसान उन्हें वहाँ पर मिल जाए। लेकिन लिसा और मार्क वहाँ से निकलने को रेडी नहीं थे। उन्होंने निकलने की कोशिश तो की थी, लेकिन रास्ते में ही रीटा और स्केलेट उन्हें घेर लेते हैं। वे दोनों तो वहाँ से भाग आए, लेकिन केली ने अपनी जान गंवा दी। रीटा और स्केलेट ने केली को खा लिया था, और उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि कल तक तो दोनों लोग नॉर्मल थे तो वो आज कैनिबल कैसे बन गए। अब बिली मार्क के जख्मों पर टाके लगाता है। दूसरी तरफ लिसा और रोज ये डिसाइड करते हैं कि वे लोग एसी के डक्ट के रास्ते दूसरे रूम में जाएंगे, क्योंकि एक ही रूम में बैठने से कुछ नहीं होगा, उन्हें यहाँ से जिंदा भी निकलना है। मार्क उस रूम से जाने के लिए रेडी तो नहीं था, लेकिन जब सभी लोग जा रहे थे तो वो अकेला इस रूम में क्या करता, तो इसीलिए वो भी उनके साथ में चला जाता है। यहाँ पर वे लोग जब एसी डक्ट के जरिए किचन की तरफ जा रहे थे तो टोनी को उनकी आवाज़ सुनाई दे जाती है, और वो उन आवाज़ों का पीछा करता है। सभी दोस्त डक्ट के जरिए किचन के अंदर आ चुके थे, जिसके बाद लिसा बिली और मार्क अपने जख्मों पर बैंडेज लगाते हैं, और रोज बेसमेंट की चाबियां ढूंढने के लिए चली जाती है, क्योंकि उसे अभी भी ऐसा लग रहा था कि टाइलर जिंदा है और वो उसे बेसमेंट से बाहर निकालना चाहती थी। फिर इसके बाद में मार्क को किचन में जब वो मांस दिखाई देता है तो वो एक मांस का टुकड़ा भूख के कारण खा लेता है। बिली जब ये देखता है तो वो उसे तुरंत रोकता है, और वो उसे उस मांस के इन्फेक्टेड होने के बारे में बताता है, क्योंकि बिली की रिसर्च के मुताबिक ये मांस इन्फेक्टेड था, तो इसलिए ये मांस खाते ही रीटा स्केलेट और टोनी और डॉग बीमार पड़ गए,
और उसके बाद में सभी लोग कैनिबल बन गए। उन लोगों को मांस खाने को नहीं मिला था, इसलिए वे लोग नॉर्मल थे। यहाँ पर उन्हें किसी भी तरीके से मार्क को कैनिबल बनने से रोकना था, तो इसलिए पहले तो वे लोग मार्क से उल्टिया करवा कर उस मांस को उसके पेट से निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मांस नहीं निकलता है। तब बिली एक वैक्यूम क्लीनर को मार्क के मुँह में घुसा कर उस मांस के टुकड़े को निकालने की कोशिश करता है और बहुत कोशिशों के बाद फाइनली वो मांस का टुकड़ा निकल जाता है। उसी दौरान लीजा किचन के दरवाजे को लॉक कर देती है। उसने एक दरवाजा तो लॉक कर दिया था, लेकिन एक दरवाजे को लॉक करने से पहले वहां पर टोनी आ जाता है। अब उसका पेपर स्प्रे भी खत्म हो चुका था। लीजा किचन के सामान को फेंक कर टोनी को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी टोनी को रोकना बहुत ही मुश्किल था। ऊपर से रीटा और स्केलेट दूसरे दरवाजे से अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। तब लीजा एक हुक को टोनी के गले में घुसा देती, लेकिन ये आइडिया भी काम कर रही था क्योंकि टोनी हुक को निकालकर फिर से लीजा के ऊपर हमला कर देता है और तब लीजा एक चाकू से टोनी के सर के टुकड़े टुकड़े कर देती है। दूसरी तरफ रोज छुपते छुपाते चाबियां ढूंढने के लिए डग के बेडरूम में घुस जाती है और तब डग बेड से उठ जाता है और रोज के ऊपर हमला कर देता। डग तो रोज को काट कर खाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन सही समय पर रोज को बेड के ऊपर चाबियां पड़ी हुई मिल जाती है और उन्हीं चाबियों को वो डग के गले में घुसा देती है। तब डग उस रूम से बाहर आ जाता है और उसी समय वहां पर लीजा बिली और मार्क भागते हुए आते हैं और उनका सामना डग से होता है। डग उनके ऊपर हमला करने ही वाला था, लेकिन बिली बाकियों को बचाने के लिए उसके सामने आ जाता है और यही बिल्ली की सबसे बड़ी गलती थी। उसी समय वहां पर रीटा और स्केलेट भी आ जाते हैं और डग के साथ में बिल्ली को पकड़ लेते हैं और तीनों नोच नोच कर बिल्ली को खा जाते हैं। मार्क और लीजा बिली को बचा नहीं पाते हैं और उसकी भयानक मौत को वो अपनी आंखों के सामने देखते रहते हैं। तो अब हमें ये नहीं बताया जाता है कि मार्क लीजा और रोज के साथ में क्या हुआ और प्रेजेंट समय में जो हॉस्पिटल में पेशेंट है वो उनमें से कौन है, लेकिन बिली का भाई मैनुअल हॉस्पिटल में आता है। उसे लगता है कि वो बिली ही है। मैनुअल के मुताबिक बिली किसी भी सिचुएशन में सर्वाइव कर सकता है, लेकिन डॉक्टर मैनुअल को उस पेशेंट से मिलने नहीं देते हैं क्योंकि वो पेशेंट बहुत ही शॉक्ड में था और उसे बार बार पैनिक अटैक आ रहे थे। साथ ही उसे उस हमले की बात बार बार याद आ रही थी। कुछ देर के बाद में वो पेशेंट एक डॉक्टर से एक चाकू चुरा लेता है और डॉक्टर के जाते ही अपने हाथों के बेल्ट को काट कर खोल लेता है। फिर इसके बाद में वो पेशेंट ग्लास की तरफ जाता है और अपना फेस देखता है। तभी वहां पर मैनुअल आता है और उस पेशेंट से बात करते हुए वो उसका बैंडेज उतारता है, लेकिन जब उस पेशेंट का फेस देखता है तो खुद बहुत डर जाता है क्योंकि उस फेस में कुछ चमड़ी बची नहीं थी। पूरे फेस का मांस वो कैनिबल खा चुके थे और उस चेहरे पर बचा था तो सिर्फ खून से भरा हुआ एक स्कल। मतलब कि अब किसी को भी पता नहीं चल पाएगा कि वो पेशेंट रोज मार्क और लीजा में से आखिर कौन है, क्योंकि मूवी के एंड में उनके साथ में क्या हुआ ये मूवी में नहीं बताया गया है और यहीं पर इस कन्फ्यूजन के साथ में ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये था द बैड मूवी का एक्सप्लेनेशन। ये मूवी 2011 में रिलीज हुई थी और ये मूवी बहुत ज़्यादा स्लैशर मूवी है। मूवी में हमने देखा कि कैसे कुछ टीनेज बच्चे अपनी बुरी आदतों के चलते एक कैंप में आते हैं, लेकिन कैंप के ट्रेनर अपने बहुत ही बुरा बिहेव कर और उन्हें टॉर्चर करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमने एक मीट फैक्ट्री को देखा जहाँ पर मांस के बीच में वो सड़े हुए मांस को दबाकर बेचते और ये मांस का टुकड़ा इन्फेक्टेड हो गया और जिसने भी इस मांस को खाया वो एक कैनिबल बन गया। जब ये मांस का टुकड़ा कैंप में आया तो कैंप के ट्रेनर ने उसे खा लिया। पहले दिन तो वे लोग बीमार पड़ गए, लेकिन धीरे धीरे वो कैनिबल में बदल गए। उन्होंने कैंप के टीनेजर को खाने की कोशिश तो की, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति बच गया, लेकिन उसका चेहरा भी इतना ज्यादा खराब हो गया था कि उसे पहचानना मुश्किल था और उसकी आवाज़ भी चली गई। तो आखिर ये पेशेंट कौन है ये कभी पता नहीं चल पाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में।